जी हाँ फ्रेंड्स आज हम आपको बच्चे के सूट का मुकम्मल ख़र्चा बनाना सिखाएंगे कि ख़र्चा किस तरह प्रेस करते हैं तो आइए जानते हैं वीडियो में खर्चा हम किस तरह प्रेस करते हैं आउज़ बशीज बिस्मिल जी फ्रेंड्स मैं हूँ शाहिद महमूद आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिलकश फैशन टेलर्स तो जी फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या करना है हमने पीस की कटिंग कर लेनी है जिसके ऊपर हमने ख़र्चा फ्यूज़ करना है हमने ख़र्चा भी कटिंग कर लेना है तो ये देखिए हमने बटन टेक ली है कुछ इस तरह से हमने पहले ही बटन टेक का हाफ़ निकाल लिया है ये बच्चे का सूट है तकरीबन दस से बारह साल के बच्चे का हम जो ख़र्चा प्रेस करना आपको सिखा रहे हैं तो फैंस बहुत ही आसान तो ये हमने बटन टेक ली है सबसे पहले ये बटन टेक है हमारे पास आधी इंच से एक सूत्र ऊपर यानि कि आधी इंच से एक सूत्र ऊपर और पौने इंच से कम है ये तो फैंस वैसे तो पौने इंच की पट्टी भी लगती है लेकिन ये है हमारी आधी इंच से एक सूत्र ऊपर की बटन टैग तो फैंस जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद जो हमारी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको बसानी मिल सके तो जी फैंस ये है हमारी बटन डेक जो हम प्रेस कर रहे हैं तो बटन डेक प्रेस करने के बाद हम करेंगे पट्टी को प्रेस तो फैंस मैं आपको बताता चलूँ हम ऑनलाइन क्लासेस का अहमाम कर रहे हैं व्हाट्सप के ऊपर तो जो भी कटिंग या स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन हमारा व्हाट्सअप का नंबर हम स्क्रीन पे दे देंगे या डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सअप का नंबर होगा तो आप वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सअप पे हमसे रब्ता करें तो हम मुकम्मल कोर्स करवाते हैं एक माह का कोर्स होता है हमारा तो उसमें हम आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे जेंट्स की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाले हम आपको तो फैंस ये हमारा मुकम्मल कोर्स होता है तो क्लासेस का वैसे तो हमने आगाज़ किया था लेकिन अभी क्लासेस बंद है तो आप इंशाल्लाह रबा करेंगे तो हम इंशाल्लाह दोबारा क्लासेस शुरू कर देंगे तो फैंस हम ऑनलाइन कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं व्हाट्सअप के ऊपर तो फैंस व्हाट्सअप का जो नंबर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इन आप हमसे रबता करें और कटिंग सीखें और स्टिचिंग भी सीखें तो फैंस ये हमने पट्टी भी फ्यूज़ कर ली है इसी तरह से ये देखें फ़ैन्स पट्टी हमने बहुत ही एहतियात और ध्यान से प्रेस करनी क्योंकि जो ख़र्चा होता है ना फैंस वो हमारे सूट की जान होता है जो ख़र्चा होता है ना वो मुकम्मल हमारे सूट की जान होता है तो इसलिए ख़र्चा आप जब भी प्रेस करें तो बिल्कुल तरीके से एहतियात के साथ और नफासत के साथ प्रेस करें क्योंकि जब ख़र्चा हम अटैच करते हैं ना, जब ख़र्चा हम अटैच करते हैं तो फिर उसमें फिनिशिंग आती है तो अगर ख़र्चा आपका सही नहीं बैठा होगा तो आप फिर काम में फिनिशिंग नहीं आएगी तो फैंस ये देखें हमने जो है ना पट्टी की नोक वाली पट्टी है उसकी नोक भी हमने पहले से प्रेस कर लेनी है तो फैंस थोड़ी सी आज मुझे मुश्किल पेश आ रही है ख़र्चा बनाने में क्योंकि आज मैंने ना कुछ कैमरे का एंगल किसी और हिसाब से फोकस किया है तो पहले मैं जब कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो किसी और हिसाब से करता हूँ लेकिन आज जो मेरा फोकस है कैमरे का वो किसी और हिसाब से है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो इन इसमें मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो आस्ता आस्ता एक दो दिन थोड़ी मुश्किल होगी उसके बाद ये मेरी सारी सेटिंग हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हूँ तो फैंस आपने ज़रा भी माइंड नहीं करना इस चीज़ का तो ये देखें अभी हमने बैन को प्रेस किया है तो बैन को भी हम एहतियात से प्रेस करेंगे तो फैंस हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो कम से कम आप एक लाइक तो कर दिया करें एक लाइक तो हमारा हक होता है तो जो मेरे बहन भाई या मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए होते हैं उनसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप अपनी राय भी हमें दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा काम कैसा लगा है तो फैंस ये देखें हमने बैन को प्रेस किया है तो प्रेस करने के बाद हमने जो है ना इसका आधी इंच मार्जिन छोड़ के आधी इंच मार्जिन हमने छोड़ना है छोड़ने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह तो जो मेरे माए बहनें घर में काम सीखना चाहती हैं उनसे भी ए, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप ऑनलाइन कटिंग या स्टिचिंग जेंट्स काम की सीखना चाहती हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर रबता करें तो व्हाट्सअप के ऊपर ही हम काम सिखाते हैं ऑनलाइन जेंट्स का जेंट्स की हम कटिंग भी सिखाएंगे और स्टिचिंग भी आपको करना सिखाएंगे तो ये हम ग्रुप के जरिए सिखाते हैं तो एक दो को भी ऐड कर लेते हैं ऐसी बात नहीं है तो जो भी सीखना चाहता है व्हाट्सअप के ऊपर तो हमारा रबता नंबर होगा तो आप हमसे रबता करें और इन कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम सिखाते हैं तो जी फैंस हमारा बैन भी कंप्लीट हो गया अब हमने बनाने हैं गोल बाज़ू गोल बाज़ू फैंस हमने बनाने हैं तो गोल बाज़ू मैंने तो वैसे एक्स्ट्रा मार्जिन काटा जाता है लेकिन इसका कपड़ा कम था इसलिए तो इसमें भी कोई बात नहीं ये देखें हमने जो हमारा मार्जिन है ना वो हमने छोड़ के ना बाजू का मार्जिन छोड़ के इसके नीचे जब हम पट्टी लगाएंगे ना वो हमारी इस तरह पट्टी लगेगी जिस तरह हम पैंचे की पट्टी लगाते हैं पैचे के नीचे हम पट्टी लगा के उसको फोल्ड कर देते हैं ना फैंस तो इसी तरह इसके नीचे भी हम इसी तरह पट्टी लगाएंगे और उसको अंदर फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे लेकिन इसमें क्या मसला आएगा बाजू थोड़ा सा थोड़ा सा बाजू मोटा हो जाएगा लेकिन उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है फिनिशिंग फिर भी आएगी काम के अंदर मोटा तो हो जाएगा लेकिन फिनिशिंग आएगी जब आप एहतियात से और प्यार के साथ लगाएंगे तो इन आपका काम बहुत ही साफ़ सुथरा बनेगा तो फैंस ये देखें एक पट्टी हमने फ्यूज़ कर ली है अब हमने दूसरी पट्टी को फ्यूज़ करना है तो इसी तरह जब हम दूसरे बाजू की पट्टी फ्यूज़ कर लेंगे ये पट्टी हमारी है पौने इंच की फैंज ये हमारा पौना इंच का बाजू हमने जो कटिंग की है इसकी पट्टी है तो इसकी पट्टी की लेंथ है जी ये नौ इंच जो बाजू है तो हमने ये दस इंच हमने कटाई की है तो साढ़े नौ इंच हमने गोल बाज़ू यानी कि साढ़े चार नौ इंच का हमने गोल बाज़ू इसका बनाना है तो फैंस ये देखें तो हल्का सा आप शावर के साथ पानी लगा लेंगे और इसको फिर प्रेस कर लेंगे तो फैंस वीडियो अच्छी लगी है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को और अच्छे अच्छे कमेंट करके आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कि आपको हमारा काम कैसा लगा तो फैंस ये देखें माशाल्लाह हमारे ये बाजू बन गए ये जो पट्टियाँ हैं मैंने पहले ही काट के रख ली थी तो फ्रेंड्स ये पट्टियाँ हमने नीचे लगानी है जिस तरह हम शलवार के पाइचे लगाते हैं तो इस तरह हम फैंस हमने इसको नीचे लगा देना है तो अब हम आपको पूरा ख़र्चा अपना दिखाते हैं तो ये देखें फैंस हमारा मुकम्मल ख़र्चा हो चुका है कंप्लीट माशा कितना बेहतरीन वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का हामीनासर रहे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़